दोस्तों मैं जितेंद्र टेकबॉम से बोल रहा हूँ। आज शाओमी ने मी वन ए वन स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया है। दोस्तों ये एंड्रॉयड वन फ़ोन है और ये गूगल के कोलाब्रेशन के साथ किया गया है। ये फ़ोन क्रिएट किया है शाओमी ने और इसमें प्योर एंड्रॉयड डाला गया है अंडर एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के गूगल के। और दोस्तों इसमें मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन है और ये पहला शाओमी का फ़ोन है जो कि डुअल कैमरा के साथ आता है। डुअल कैमरा पीछे दिया गया है जैसा कि अभी आपने देखा, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डुअल एलईडी फ्लैश मिलेगी, और ये इसके जो एजेस हैं वो भी कर्व्ड हैं, और राइट हैंड साइड पे दोस्तों इसमें वॉल्यूम रॉकर्स हैं और पावर बटन दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और नीचे दोस्तों स्पीकर ग्रिल है और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दी गई है, और राइट हैंड साइड पे 3.5 mm का हेड जैक था। और ये है दोस्तों डुअल सिम हाइब्रिड सिम स्लॉट जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है। दोस्तों ये काफ़ी स्लिम फ़ोन है और इसका वेट है करीबन 165 grams, और इसकी जो थिकनेस है वो है 7.3 mm, और नेविगेशन कीज दोस्तों डिस्प्ले के नीचे दी गई हैं। जहाँ तक दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 inch फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी रेजोल्यूशन है 1080x1920 पिक्सल्स, 2.5D कर्व ग्लास है, और इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। जहाँ तक इसके दोस्तों और बात करें फीचर्स की, तो इस फ़ोन को चलाता है 2 GHz का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर विद एड्रीनो 506 GPU, और ये दोस्तों आता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसको कि आप फर्दर 128GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ही पावरफुल बैटरी भी दी गई है, वो है 3080 यानी कि 3080 mAh की बैटरी है, और ये इसमें ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस फीचर है। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके और फीचर्स की, फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये भी काफ़ी फास्ट है। हालांकि मैंने इसको अभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन शाओमी जाना जाता है अपने फिंगरप्रिंट सेंसर्स के लिए। दोस्तों इसकी जो फ़ोन की जो एक बहुत ही USP है वो है इसका डुअल कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों वो आता है 12 MP रियर कैमरा विद वाइड एंगल लेंस f2.2 अपर्चर के साथ, और इसमें डुअल लेंस LED डुअल टोन LED फ्लैश दिया गया है। और जो सेकेंडरी कैमरा है प्राइमरी कैमरा में, वो है 12 MP का टेलीफोटो लेंस और f2.6 अपर्चर। ये डिफरेंट आपको मोड्स मिलेंगे, और दोस्तों इसमें आपको और भी कई फीचर्स हैं इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसा कि आप बोके इफेक्ट ले सकते हैं और पैनोरामा मोड में भी आप बोके इफेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसमें डुअल कैमरा का जो मॉड्यूल दिया गया है वो बहुत ही पावरफुल है, और ये इसका एक बहुत ही अहम फीचर है। और फ्रंट में दोस्तों 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है फॉर सेल्फीज़, और जिसमें ब्यूटीफाई मोड्स आप इसको अपनी सेल्फीज़ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसके कैमरा की, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्योर एंड्रॉयड के ऊपर चलता है, और जो कि बेस्ड है 7.1.2 एंड्रॉयड नगेट, और शाओमी ने क्लेम किया है कि इसको एंड्रॉयड 8.0 जो कि लेटेस्ट है क्रियो, उससे वो अपग्रेड कर देंगे। तो दोस्तों ये भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर है कि आपको कोई भी इसमें प्लॉट पेयर नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट शाओमी ने अपना इसमें सिर्फ मी कैमरा का एप्स डाले हैं कैमरा को चलाने के लिए, क्योंकि जो एंड्रॉयड वन है वो डुअल कैमरा को सपोर्ट नहीं करता है, प्लस शाओमी का अपना मी स्टोर का ऐप है, और इसमें तो ये सब चीज़ें कुछ एडिशनल डाली गई हैं, बाकी इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा। और बाकी ये 4G वोल्टे को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों एक अच्छा पैकेज बनाया गया है, और इसकी प्राइस रखी गई है 14,999 rupees, यानी कि 15,000 rupees में ये आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, और ये 12 सितंबर से इंडिया की मार्केट में ये मिलना शुरू हो जाएगा। आपको मी स्टोर में भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, और भी ऑफलाइन स्टोर्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और एक अच्छा शाओमी का हार्डवेयर चाहते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और ये आपको दोस्तों दो कलर में मिलेगा, एक गोल्ड कलर में जो कि आप देख पा रहे हैं, और एक आपको ब्लैक कलर में। और ये शाओमी का पहला फ़ोन है जिसमें उन्होंने डुअल कैमरा सेटअप दिया है और प्योर एंड्रॉयड डाला है।
प्योर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techbomb.com, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल के बारे में लिखता हूँ और वीडियोस भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इसमें ऑडियो का भी बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया है, ये मैंने ब्लॉग में इसमें पूरी डिटेल्स लिखी है, तो आप मेरे ब्लॉग को पढ़ना मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने इस वीडियो को देखा, और थैंक यू वेरी मच एंड बाय।